बेशक सरकारी स्तर पर नशे पर लगाम लगाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं, पर बावजूद इसके जिस तरह नशा फैला हुआ है, इसे रोकने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक स्तर पर आक्रामक प्रयास की आवश्यकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश का खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री ने सामाजिक संस्था यश हिमाचल प्रदेश द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आयोजित शपथ कार्यक्रम में कही। ये जानकारी यश हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता सुभाष ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। इस मौके पर राजेंद्र कुमार, विवेक कटोच, रोहित शर्मा, आशीष भाटिया, नीरज रावत, अमित ठाकुर, अमन ठाकुर समेत जिला हमीरपुर के विभिन्न हिस्सों से संबंधित लगभग 100 युवाओं ने कभी नशा न करने पर नशे के खिलाफ संस्था के अभियान में बतौर ब्रांड एम्बेसडर कार्य करने की शपथ ली। नरेंद्र अत्री ने मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र के केवल एक युवा के नशे के चंगुल में फंसने से न केवल उसके परिवार पर ही फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका दुष्प्रभाव पूरे क्षेत्र, समाज व राष्ट्र पर पड़ता है। अतः समाज के जिम्मेदार नागरिकों को आगे आकर राष्ट्र की युवा शक्ति को बचाने के लिए नशे के सौदागरों को रोकना होगा, ताकि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे युवाओं को नशे के जाल में फंसा कर राष्ट्र को कमजोर करना चाहती है, उनके मंसूबे कभी पूरे न हो सके। नरेंद्र अत्री ने सामाजिक संस्था यूथ एम्पावरमेंट सोशल सर्विस यश हिमाचल प्रदेश द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान नशा मुक्त खेल व संस्कार युक्त युवा फिट यूथ हिट यूथ अभियान की सराहना की व यश हिमाचल की टीम को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि संस्था की टीम इसी तरह आगे भी सामाजिक गतिविधियां जारी रखेगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू हमीरपुर में जूनियर छात्रों से रैगिंग की पुलिस जांच पूरी हो गई है। अब इस मामले में इसी हफ्ते न्यायालय में चालान पेश होगा। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन और बचाव पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। न्यायालय में अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषियों को सख्त सजा सुनाई जाएगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू हमीरपुर में सितंबर माह में कॉलेज में अंतिम वर्ष के एक सीनियर छात्र और एक अन्य ने इसी कॉलेज में पढ़ने वाले जूनियर छात्रों की रैगिंग ली थी। हालांकि ये घटना कॉलेज के साथ ही एक निजी भवन में हुई है। सभी छात्र इस भवन में किराए पर कमरा लेकर रहते थे। जूनियर कक्षाओं के छात्रों ने इस बारे में कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास शिकायत दी, जिसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच कर आरोपों को सही पाया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने हमीरपुर पुलिस थाना में इस मामले की लिखित में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और पीड़ित छात्रों के बयान कलमबद्ध किए। अब इस मामले की जांच पूरी हो गई है। पुलिस इस मामले में शीघ्र ही कोर्ट में चालान पेश करेगी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजित सेन ठाकुर का कहना है कि इस मामले की पुलिस जांच पूरी हो चुकी है, शीघ्र ही न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। सोलन में भाजपा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल पर पलटवार करते हुए उन पर कई तीखे प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस विधायक पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जो अपने कार्यकाल में सोलन के विकास के लिए तो कोई कार्य नहीं कर सके, लेकिन अब वे सोलन की जनता को भ्रमित करने के लिए भाजपा पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब धनीराम शांडिल मंत्री बने थे तो उनका पहला काम शांति बाईपास का नीम पत्थर रखना था, लेकिन वे कार्य को अभी तक पूरा नहीं कर सके। पवन गुप्ता ने धनीराम शांडिल को घेरते हुए कहा कि आज वे सोलन को नगर निगम बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वे उस समय कहां थे जब वे मंत्री थे और नगर परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो वे उस समय नगर निगम क्यों नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि वे केवल छोटी योजनाओं का उद्घाटन कर अपनी हसरतों को पूरा करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वे वास्तव में सोलन जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वे सोलन रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 5 के बाहर निकलें और सोलन की जनता की समस्याओं को समय से सुने।
क्योंकि सोलन की जनता उनके कमरे के बाहर खड़ी रहती है और वे 11 बजे से पहले अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल सोलन के वार्ड नंबर 4 में अपने पार्षद को नहीं जिता पाए। यही नहीं उनके गांव से उन्हें मत प्रदान नहीं हुए, जिससे ये साबित होता है कि वे लोकप्रिय नहीं बल्कि अब अलोकप्रिय विधायक बन चुके हैं। इसलिए भाजपा उन्हें चेतावनी देती है कि वे अपनी वाणी पर लगाम लगाएं, अन्यथा उनका रेस्ट हाउस के रूम नंबर 5 में ही घेराव किया जाएगा।